तो दोस्तों पिछले वीडियो में देखे हम लोग कि फील्ड वर्क क्या होता है, फील्ड वर्क पे कैसे काम किया जाता है, और फील्ड वर्क एक्चुअली होता है क्या, और फील्ड बुक पे नोटिंग कैसे किया जाता है। अब अगर आप लोग फील्ड बुक पे नोटिंग कर रहे हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है जो कि नोट करना है, ठीक है, क्या चीज लिखना है, क्या चीज का सिंबल बनाना है। तो अब देखिए जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि सबसे पहले देखिए नॉर्थ लाइन, मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई दिखाता है कि कहाँ पे है वो, तो वो एक एन लिखा हुआ एक सर्कल होता है, उसमें एरो बना रहता है, और ये जो इसका कलर होता है वो ब्लैक यानी कि काला होता है। सेकेंड होता है मेन स्टेशन, जो कि एक ट्रायंगल से दिखाया जाता है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इसका जो कलर होता है वो रेड या फिर क्रिम्सन लेक कलर का ये होता है। तीसरा है वो होता है ट्रावर्स स्टेशन, या फिर यू बोलो कि जो बीच में जो स्टेशन आते हैं वो स्टेशन, और इसका जो कलर होता है वो रेड या फिर क्रिम्सन लेक कलर का जो है वो कलर होता है। इसके बाद आता है चेन लाइन, वो लाइन जो कि बेसिकली एक चेन से चेन को हम लोग डिनोट करने के लिए बनाते हैं, तो वो एक डैश थ्री डॉट एक डैश थ्री डॉट ऐसे करके बनाया जाता है चेन लाइन। इसका जो कलर होता है वो रेड या फिर क्रिम्सन लेक जैसे कि पहले था वैसे ही होता है। रिवर जो है, रिवर को क्या करते हैं हम लोग, एक सॉलिड लाइन बनाते हैं, उसके बाद एक डैश्ड लाइन बनाते हैं, और बीच में कुछ डिचेस देख करके दिखाते हैं कि हाँ वो रिवर है, एक एरो होना चाहिए बीच में, तो उसको हम लोग एक रिवर की तरह दिखाते हैं। रिवर कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, और जो कलर होता है वो प्रूशियन ब्लू जो कलर है वो होता है। इसके अलावा कैनाल, मतलब वो जो कि एक इंसान बनाता है इरिगेशन के लिए, तो कैनाल भी ऐसे ही बनाया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, सॉलिड लाइन, उसमें लोग अंदर डैश लाइन बनाते हैं दोनों साइड में, और इसको हम लोग बोलते हैं कनाल, और इसका जो भी कलर होता है वो भी प्रूशियन ब्लू ही होता है। इसके बाद आता है पॉन्ड, या फिर यू बोलो कि तालाब, तो तालाब का जो होता है, तो तालाब एक जैसे ओवल टाइप का तालाब होता है वैसे ही एक तालाब बनाया जाता है, और उसके साइड में क्या किया जाता है कि डैश्ड लाइन, जैसे कि हम लोग पहले देख रहे थे सारा वाटर बॉडीज में ही डैश्ड लाइन दिया हुआ है, तो डैश्ड लाइन देकर के उसको कवर कर रहे थे। और इसका भी जो कलर है जैसे वाटर बॉडीज का होता है पर्शियन ब्लू। ओपन वेल वो भी इसी तरह का होता है कि जो डैश जो सॉलिड लाइन होता है उसको बाउंड्री के लिए, फिर अंदर का वाटर को दिखाने के लिए डैश्ड लाइन होता है, इसका भी कलर क्योंकि पानी है तो इसका भी कलर पर्शियन ब्लू ही होगा। इसके अलावा ट्यूब वेल जो होता है, तो देखिए इसमें कुछ पानी का ओपनलेट दिखाई नहीं देता, इंसान के बनाया द्वारा होता है ये, तो इसको मैकेनिकल जैसे इसका ड्राइंग होता है वैसे ही ड्राइंग होता है ये, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसके अलावा फुटपाथ जो कि एक इंसान बनाता है चलने के लिए, तो वो जो फुटपाथ होता है, तो फुटपाथ को हम लोग एक डैश्ड लाइन से दिखाते हैं, और इसका जो कलर होता है वो नॉर्मली ब्लैक कलर हम लोग देते हैं। एक मेटालिक रोड या फिर जो पक्का रोड होता है सही रोड, तो उस पक्का रोड को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉलिड लाइन का हम लोग यूज करते हैं, और इसका जो कलर होता है वो बर्न्ड सियना होता है। एक जो अनमेटल्ड रोड होता है, ठीक है, अनमेटल्ड सॉरी यहाँ पे पक्का रोड बोल दिया, यहाँ पे मेटालिक रोड मतलब इसमें जिसमें टायर यूज किया जाता है, एक अनमेटल रोड या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो पक्का रोड या फिर कच्चा रोड होता है, तो अनमेटल रोड जो होता है उसको भी दिखाने के लिए हम लोग बर्न्ड सियना कलर ही यूज करते हैं, लेकिन इसका जो लाइनिंग होता है वो एक डैश्ड लाइन होता है, ठीक है। अगर रेलवे लाइन हो, आप लोग नॉर्मली ये सब मैप में नोटिस करते ही होंगे, तो बहुत बड़ा मैं एक मतलब मेजर चीज नहीं बता रहा हूँ। अगर अब एक रेलवे लाइन है, ठीक, जो कि सिंगल रेलवे लाइन है, मतलब सिंगल वहां पे एक रेलवे लाइन जा रही है, तो उसका जो ड्राइंग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब एक लाइन दिया हुआ सॉलिड लाइन, और उसको हम लोग कट करते हैं और लाइन से, और इसका जो कलर होता है वो नॉर्मली ब्लैक कलर हम लोग यूज करते हैं। अगर डबल रेलवे लाइन हो, मतलब दो रेलवे लाइन बगल बगल जा रही हो, एक अप एक डाउन, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग एक डैश लाइन यूज करते हैं, फिर उसको थोड़ा मतलब बोल्ड लाइन से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, और इसका भी जो कलर है वो ब्लैक ही है, ठीक है। इसके अलावा रोड या ब्रिज, रोड ब्रिज मतलब एक ऐसा ब्रिज जो कि रोड के लिए बना हो, ठीक है। देखिए दो तरह का ब्रिज होता है, जो एक जिसमें से रेलवे लाइन क्रॉस करती है, एक जिससे रोड क्रॉस करता है, तो जो रोड ब्रिज होता है उसको दिखाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह का एक ड्राइंग बनाते हैं, जैसे ब्रिजेस का ड्राइंग होता है उसके बीच में रोड, और इसका जो कलर होता है वो काला होता है, ठीक है, यानी कि ब्लैक होता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि रेलवे लाइन जो तो डबल रेलवे लाइन होता है उसको, और उसके साइड में जो ब्रिज का ये ड्राइंग होता है उसको बना करके, या ड्राइंग में गलती से बोल दिया, सिंबल जो है उसको बना करके उसको ब्लैक कलर से बनाते हैं, तो ये जो है वो रेलवे ब्रिज होता है। इसके बाद आता है लेवल क्रॉसिंग, मतलब वो क्रॉसिंग जिसमें कि एक रोड और एक रेलवे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है। इसका जो ड्राइंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, जो नीचे का जो रोड है वो पहले बनता है, और उसके बाद एक रेलवे लाइन बनाते हैं, जैसे कि डबल रेलवे लाइन जो होता है, और इसका जो कलर है वो दोनों का कलर जो नॉर्मल कलर्स होता है ब्लैक और बर्न सी है ना, उसको यूज करके हम लोग लेवल क्रॉसिंग को बनाते हैं। इसके बाद आता है वॉल विथ अ गेट, मतलब एक ऐसा वॉल जिसमें कि एक गेट हो, तो उसको बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बीच में गेट है और दो यहाँ पे बेसिकली दर्शाया जा रहा है, दो गेट है, मतलब एक फ्लिप गेट है, ठीक है, और इसका जो कलर है
वो यहाँ पे ब्लैक होता है। इसके अलावा बाउंड्री लाइन, मतलब जो मैप उसको आपको बाउंड्री अगर बनाना है या फिर दो स्टेट्स का बाउंड्री बनाना है, दो कंट्री का बाउंड्री बनाना है, तो बाउंड्री लाइन जो, देखिए अब मैप में बाउंड्री लाइन भी अलग तरह का होता है, ठीक है, दो कंट्री का बाउंड्री लाइन अलग होता है, दो स्टेट का बाउंड्री लाइन अलग होता है, लेकिन जो बेसिक बाउंड्री लाइन हम लेते हैं वो ऐसा होता है, मतलब एक डैश विद अ डॉट, तो इस तरह का लाइन जो होता है उसको बाउंड्री लाइन लेते हैं। यहाँ पे कलर जो इस लाइन का वो ब्लैक है। इसके बाद हेज या फिर झाड़ी जो होता है, झाड़ी दिखाने के लिए लोग इस तरह का कुछ चित्रण करते हैं और इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है। इसके बाद जो वायर फेंसिंग होता है, मतलब तार से जो फेंस किया जाता है जगह को, तो उस वायर फेंसिंग को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में क्रॉसेस बना करके दिखाते हैं वायर फेंसिंग को, और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। इसके बाद जो पाइप फेंसिंग होता है, मतलब ऐसा बाउंड्रीज जो कि पाइप से बनाया गया, ऐसा फेंसेस जो कि पाइप से बनाया है, तो उसको हम लोग एक सॉलिड लाइन जिसके बीच में सर्कल्स हो उससे हम लोग दिखाते हैं, और इसका जो कलर है ऑपरेशन ब्लू होता है। देखिए जो नॉर्मली पाइप फेंसिंग इसलिए किया जाता है कि उससे वाटर जो है वो पासेज कर सके, इसलिए यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू दिया गया है। बिल्डिंग जो कि पक्का घर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने का ये तरीका होता है, और इसका जो कलर है वो नॉर्मली क्रिम्सन लेक हम लोग कलर देते हैं। जो कच्चा घर होते हैं, ठीक है, मतलब जिसको जिसका की छत जो वो सीमेंटेड नहीं होता लेकिन वॉल्स जो वो सीमेंटेड होता है, तो वो जो घर है उसको हम लोग अम्बर कलर से दिखाते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जो हट्स होता है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, और उसका जो कलर है उसको हम लोग येलो देते हैं। इसके बाद जो टेम्पल है या फिर जो मंदिर है उसको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, इसका जो कलर है वो क्रिम्सन लेक कलर का होता है। इसी तरह का मॉस्क जो है वो इस तरह से बनाया जाता है, इसका जो कलर है वो क्रिम्सन लेक ही होता है। इसके बाद जो चर्च है उसको इस तरह से बनाया जाता है, इसका जो कलर होता है वो क्रिम्सन लेक होता है। जो पेड़ होता है नॉर्मली, तो पेड़ को जैसे अच्छे नहीं पेड़ बनाते थे वैसे ही बनाना है, ये पेड़ है और उसका जो कलर है, पेड़ का कलर क्या होता है, ग्रीन, तो ग्रीन है। जो जंगल है, जंगल में हम लोग कुछ तीन चार पेड़ बनाते हैं, बीच में कुछ झाड़ी बनाते हैं, और जंगल हो गया अपना तैयार, तो जंगल का जो ड्रॉइंग है या फिर जंगल का जो सिंबल है वो इस तरह का होगा, और उसका जो कलर है वो हमारा जो नॉर्मली ग्रीन होता है तो ग्रीन होगा। कल्टिवेटेड लैंड जैसे दिखता है वैसे ही बनता है, मतलब जो लैंड आप लोग देखते हो ट्रेन से जाते हो बगल में देखते हैं आप लोग कल्टिवेटेड लैंड दिखाई देता है, देखते हैं आप लोग कैसा होता है, डिवाइडेड होता है ऐसे बॉक्स 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 टाइप का, तो वैसे कुछ कल्टिवेटेड लैंड भी बनाया जाता है, और इसका जो कलर है वो ब्लैक और ग्रीन हम लोग देते हैं। इसके अलावा जो बैरन लैंड होता है, मतलब वो जो कि मरुभूमि है, तो मरुभूमि हम लोग को दिखाने के लिए एक लैंड नॉर्मली उसको डॉटेड बनाते हैं, जिसके बीच में कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स को सर्कल से दिखाते हैं, तो बैरन लैंड होता है, और क्योंकि बैरन है तो उसका कलर हम लोग यहाँ पे ब्लैक देते हैं। मार्श जो होता है या फिर जो डैम्प लैंड होता है, तो उसको भी दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से झाड़ी बनाते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम लोग क्या देते हैं, ग्रीन की जगह ब्लैक देते हैं। यहाँ पे एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट या फिर जो नदी के बीच में या फिर नदी के साइड में कुछ मिट्टी से जो बनाया जाता है एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का ड्रॉइंग बनाते हैं, और इसका भी एम्बैंकमेंट का भी जो कलर है वो काला ही होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोस्ट, जिससे कि हम लोग के इलेक्ट्रिक वायर्स जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोस्ट को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, बहुत सिंपल सा ड्रॉइंग है ये, और इसका जो कलर है वो काला होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो ये हमारा कुछ कन्वेंशनल सिंबल था, जो कि टोटल मतलब पूरा डिटेल्स के साथ था यहाँ पे ड्राइंग के साथ, ठीक है, टोटल 31-36 हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, और बहुत सारे देखिए क्योंकि एक मैप में बहुत कुछ इस तरह का होता है, तो इसमें से क्या होता है कि इसका नाम नहीं लेकर हम लोग सिंबल यूज करते, तो आप लोग को ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे एक दूसरे चैप्टर पे, जिसको कि कंपास सर्विंग कहते हैं, तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के सीरीज पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए हमारे जो हमारा जो इस वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।